अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। प्रभु श्री राम की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, माता जानकी की। प्रभु, आप दोनों के पुनर्मिलन को देखकर मुझे ऐसे अपार सुख का अनुभव हो रहा है जैसे किसी दग्ध आत्मा को शीतल अमृत प्रसाद मिल गया हो। हृदय में बस एक ही प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि ये सुखद अनुभूति अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। प्रभु, ये सुख की घड़ी कभी ना बीते। शतानन, उनके सुख की घड़ी को अनंत दुख के सागर में परिवर्तित करने का समय आ गया है। उठिए शतानन और प्रतिशोध लीजिए लंकेश रावण की मृत्यु का। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं हो सकता। मैं अपनी मायावी शक्तियों का संचार कर अवश्य उठाऊंगा आपको शतानन, अवश्य उठाऊंगा। अपनी निद्रा को भंग कीजिए शतानन, उठिए शतानन, उठिए शतानन। अपनी शोकाकुल माता का विचार कीजिए, प्रतिशोध लीजिए शतानन, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। अपने दिवंगत अनुज लंकेश दशानन रावण का विचार कर उठिए, उठिए शतानन और राम से प्रतिशोध लीजिए। उठिए शतानन, उठिए। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं किसी का आनंद। कौन है राम, कहां है राम, क्यों लूं उस राम से प्रतिशोध? अपनी चुप्पी तोड़ो और उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगा। बोलो राम, राम आपके अनुज रावण का वधिक है। मेरा अनुज रावण? राम अयोध्या का वो छलिया राजकुमार है जिसने सन्यासी का छद्म रूप धारण करके पूर्ण लंका को वानर सेना के साथ उजाड़ दिया है। रावण के सभी पुत्रों का वध किया है शतानन। रावण और उसके पुत्रों का वध करने के पश्चात अब भी वो लंका में स्थित है, जिस लंका में कभी आपके अनुज दशानन रावण की जय जयकार गूंजती थी, आज वहां पे राम की जय जयकार गूंज रही है शतानन, राम की जय जयकार गूंज रही है। उसके पश्चात लंकेश रावण की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली, ताकि मेघनाथ का वध हो सके। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला और अंततः इसके पश्चात छल से आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण का वध कर दिया उस वनवासी राम ने। ये कैसी
भीषण गर्जना है। कहीं कहीं ये किसी नवीन महासंकट का संकेत तो नहीं? परंतु अब किसकी गर्जना है? वो स्वयं कितना भयंकर होगा जिसकी गर्जना इतनी भयंकर है। प्रभु श्री राम, आपने दशानन रावण का तो संहार कर दिया, परंतु जगत से अभी अधर्म मिटा नहीं है, पाप पूर्णतः नष्ट नहीं हुआ, अभी तो और विकराल रूप धारण कर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तत्पर है। क्योंकि अभी रावण का भ्राता शतानन जीवित है, रावण से भी कहीं अधिक बलवान। अधर्म का विस्तार कर संसार को अपनी विनाश लीला से कहीं अधिक त्रस्त करने में सक्षम है। उसका अंत संसार के उद्धार के लिए, राम काज के पूर्ण होने के लिए अनिवार्य है। दशानन रावण से भी कहीं अधिक भयंकर होगा ये शतानन रावण। शतानन रावण? इंद्रजीत वध के समय जब मैंने अंतरिक्ष में रावण के समान एक बहुरूपी रावण देखा था, तो उसे विद्युत जिह्वा की ही माया मान लिया था मैंने। परंतु अब प्रतीत होता है कि ये शतानन वही बहुमुखी रावण है। मेरे परिवार पर घात करने वाले के इतने टुकड़े करूंगा जितने शीश है मेरे। मैं हूं शतानन, मुझसे रक्षित नहीं है किसी का आनंद। मैं हूं शतानन। जिस अनुज रावण के लिए धरती छोड़ी मैंने, जिसके राज को स्थापित करने के लिए इतना बड़ा त्याग किया मैंने, मेरे उस अनुज का वध करने वाला वो राम मुझसे सुरक्षित कैसे रहेगा? मैं हूँ शतानन रावण, करता हूँ प्राणों का हरण। इस राम और इसकी तुच्छ वानर सेना को भस्म करने के लिए तो मेरा क्रोध ही पर्याप्त है। माता, अपने हृदय को विचलित मत कीजिए। प्रभु कृपा से हम शतानन रावण रूपी इस संकट का भी निवारण करेंगे। माता, फिर वो दुष्ट जो भी हो, जैसा भी हो, ये शतानन रावण कौन है ये मुझे भली भांति ज्ञात है।
हमारे विवाह के पूर्व एक बार एक श्रेष्ठ ब्राह्मण हमारे राजभवन में चातुर्मास प्रवास के लिए आए थे। पूज्य पिताजी ने उनकी सेवा का भार मुझे सौंपा। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, आपका कल्याण हो। जिस निष्ठा से आपने एक ब्राह्मण का सत्कार और सेवा की, वो प्रमाण है कि आपका जन्म इस संसार के कल्याण के लिए ही हुआ है। भविष्य में आप रावण के संहार का कारण तो बनेंगी ही, अपितु उससे भी बड़े महाराक्षस शतानन का वध का कारण भी आप ही बनेंगी, जिसके पश्चात ही ये संसार राक्षसों के पापों से मुक्त होगा। ऋषिवर, कौन है ये रावण और महाराक्षस शतानन रावण? मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं। शतानन रावण अंत करेगा राम और उसकी राम सेना का। रावण से इसका क्या संबंध है जो इसका प्रतिशोध लेने आया? रावण का भ्राता है। रावण का भ्राता? मेरा एक और भ्राता, और इसके विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ये कैसे संभव है माता? जिन ब्राह्मण ने मुझे शतानन के विषय में बताया था, उन्होंने ही कहा था राक्षस राज तुमाली की पुत्री देवी कैकसी का विवाह ऋषि विश्रवा के साथ, जिसके कुछ ही समय पश्चात उन्होंने रावण को जन्म दिया। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा, उसके साथ ही शतानन का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों भाई बड़े होने लगे। शतानन हर दृष्टि से अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होने लगे। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का अपनी शक्ति से परिचय होने लगा, और कम आयु में ही दोनों ने युद्ध कौशल में शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। फिर एक बार मुझे पता है मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, परंतु रावण की क्षमता को कमाकने की भूल मत कर बैठेगा भैया शतानन। अच्छा, दिखाओ मुझे अपनी क्षमता। प्रिय भ्राता रावण, उत्तम, अति उत्तम प्रिय भ्राता, परंतु मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो तुम। परंतु दशानन के इस भयंकर रूप को देखकर शतानन तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। तो उसके मुख पर ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जैसे वो रावण का उपहास कर रहा। बस यही है तुम्हारा विकराल रूप, तो लो अब मेरा परिचय प्राप्त कर लो। शक्ति प्रिय अनुज, बलहीन अशक्त
दुर्बल हो तुम। ये क्या हो गया है मेरे दोनों पुत्रों को? अपने अनुज को प्रताड़ित कर शतानंद कैसा अनर्थ कर रहा है, मुझे रोकना होगा उसे। मुझसे उलझने की क्षमता नहीं है तुम में, फिर मुझे चुनौती देने का साहस मत करना प्रिय भ्राता। बाल्यकाल से ही शतानन रावण महापराक्रमी महायोद्धा लंकेश रावण से भी अधिक बलवान है। तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, राक्षस माता इस घटना को देखकर अत्यंत कुपित हो उठी। बस परस्पर युद्ध करके एक दूसरे को मिटाने के लिए नहीं, राक्षसी सत्ता और राक्षसी गौरव को स्थापित करने के लिए मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था। तुम अन्य सभी को तो प्रताड़ित करते ही थे, परंतु आज तुमने अपने ही भ्राता पर इतना भीषण वार किया। माता, मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली योद्धा का भ्राता इतना शक्तिहीन हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। आपकी कल्पना की रक्ष साम्राज्य की स्थापना हेतु मुझ जैसे सर्वशक्तिशाली और पराक्रमी योद्धाओं की आवश्यकता है, इसलिए मैं अपने भ्राता को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ। शक्ति पर अहंकार, उसके अनुचित प्रदर्शन से तुम किसी को शक्तिशाली नहीं बना सकते। जिस शक्ति का तुम्हें इतना दम है, क्षण भर में अपने श्राप से उसका नाश कर सकती हूँ मैं। मेरी भूल समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए माता। अपूर्ण ज्ञान से राक्षसी सत्ता कदापि स्थापित नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज कर, तब तक पूर्णता शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता, चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास, तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। अचानक आ सकता है, इसलिए व्यक्ति को उसका सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।